हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आपको याद होगा कि जब हमास द्वारा इसराइल पर अटैक किया गया था तो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे इनके मरकावा मार्क 4 टैंक्स जो हैं ये इजीली हमास ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जबकि इनमें एडवांस APS सिस्टम्स भी लगे हुए हैं। तो हमास द्वारा वीडियोस भी रिलीज किए गए थे जहां पर ये देखा जा सकता था कि कैसे इनके टैंक्स जो हैं ड्रोन्स को यूज करते हुए डिस्ट्रॉय किए गए, और ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न था जैसे कि रशिया और यूक्रेन की वॉर में हमारे द्वारा देखा गया है। एक चीप ड्रोन को यूज करते हुए वॉरहेड को ऊपर से गिराया गया और टैंक जो है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, और जो काफी महंगा APS सिस्टम है वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। तो हमने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो टैंक्स होते हैं उनमें जो ऊपर का पार्ट होता है ये ज़्यादा आर्मर्ड नहीं होता है, क्योंकि क्र्यू जो है वो ऊपर से ही एंटर करता है, तो उसकी मोटाई जो है वो लिमिटेड ही रखी जाती है ऑपरेशनल यूसेज की वजह से। साथ ही साथ जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि हार्ड किल मोड में काम कर सकते हैं, जैसे कि इजरायली ट्रॉफी सिस्टम है, ये भी टॉप अटैक मोड में प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराते, इसीलिए ईजिली इन टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। तो हमने ये भी बताया था कि कैसे रशिया ने यहाँ पर इम्प्रोवाइज किया है और वो अपने टैंक्स के ऊपर केज को यूज़ कर रहे हैं जो कि एक जुगाड़ है, जिससे ये कामिकाजी ड्रोन अटैक से बच सकते हैं, साथ ही साथ जो ड्रोन द्वारा वॉरहेड को ऊपर से गिराया जाता है उससे भी बच सकते हैं। तो जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था रशियन टैंक्स को, और कहा गया था कि ये वेस्टर्न टैंक्स के कंपैरिजन में कैपेबल नहीं है और ईजिली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वहीं पर जब मरकावा मार्क 4 जैसा टैंक डिस्ट्रॉय हुआ तो लोगों की आंखें खुली कि ये इतना इजी नहीं है। टॉप अटैक मोड में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना ड्रोन अटैक के अगेंस्ट में इतना आसान नहीं है, और ये जो जुगाड़ यहाँ पर रशिया द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है ये एक्चुअली इफेक्टिव है। और अब जो कुछ इमेजेस निकल कर सामने आ रही हैं इसराइल की साइड से, इसमें ये क्लियरली देखा जा सकता है कि इसराइल भी अब सेम टैक्टिक्स को अपना रहा है जैसा कि रशिया द्वारा अपनाया गया है, और मरकावा मार्क 4 पर भी हम कोप के जिसको देख सकते हैं। और खाली इजरायली नहीं, इवन एक और इमेज निकलकर सामने आई है जहां पर हम इंडियन आर्मी के टैंक के ऊपर भी कोप केज को देख सकते हैं, जिनको ड्रोन अटैक के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए लगाया गया है। तो बेसिकली हम जुगाड़ पर ही वापस आ गए हैं। ये जो एडवांस APS सिस्टम है ये इन ड्रोन्स के अगेंस्ट में कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करा सकते, जो कि एंटी टैंक मिसाइल्स के कंपैरिजन में काफी स्लो टारगेट है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतने एडवांस APS सिस्टम का फायदा क्या है, क्योंकि ट्रॉफी APS सिस्टम जो है ये दुनिया के सबसे एडवांस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम में से एक माना जाता है। और हमारे द्वारा खुद अपनी आर्मी को क्वेश्चन किया जाता था क्योंकि हमारे जो टैंक्स हैं ये एडवांस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लैक करते हैं। इंडियन आर्मी का हमेशा से ये मानना रहा है कि जो APS सिस्टम इंडियन आर्मी यूज करेगी वो टॉप अटैक पोर्ट में भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, जबकि ट्रॉफी सिस्टम प्रोवाइड नहीं कराता है। तो DRDO द्वारा काम किया जा रहा है ऐसे APS सिस्टम पर जो कि टॉप अटैक मोड में भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम हो। और अब ये साफ हुआ है कि क्यों इंडियन आर्मी का फैसला यहाँ पर सही था। हमने ट्रॉफी जैसे APS सिस्टम पे पैसा ना बर्बाद करके बहुत अच्छा काम किया है। हमारे द्वारा ये नहीं कहा जा रहा है कि ट्रॉफी APS सिस्टम किसी काम का नहीं है, डेफिनेटली ये यूजफुल है, और अगर टॉप अटैक मोड को हम छोड़ दें तो बाकी हर दूसरे टाइप के अटैक के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम होगा APFSDS राउंड्स को छोड़कर। तो डेफिनेटली अर्बन वॉरफेयर के हिसाब से कुछ पॉजिटिव यहाँ पर हैं, क्योंकि RPGs वगैरह अगर यहाँ पर फायर करी जाएंगी तो उनके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव साबित होंगे। लेकिन अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं और जो ऑब्वियस राउंड्स हैं जिसके अंतर्गत ड्रोन अटैक हो गया, फिर APFSDS राउंड्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन हो गया, वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो क्या इतना इन्वेस्ट करना यहाँ पर सेंस बनाता है अगर आप अर्बन वॉरफेयर के हिसाब से यहाँ पर तैयारी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो नज़र आता है ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी अपने टैंक्स को अर्बन वॉरफेयर में इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। पहला तो ये कि हम उस APS सिस्टम पर फोकस करें जो कि हमें टॉप अटैक मोड में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम हो, भले APFSDS राउंड से प्रोटेक्शन ना मिले, क्योंकि ड्रोन अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। दूसरा ये है कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स को टैंक्स में इंस्टॉल किया जाए जो कि इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो और इन टैंक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके। एंटी ड्रोन सिस्टम हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं पर फिलहाल के लिए उनका टैंक से इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, तो ये देखने वाली बात होगी कि एंटी ड्रोन सिस्टम फ्यूचर में कैसे निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिलहाल के लिए इसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है और जुगाड़ लगाना पड़ रहा है कोप केजेस को यूज करते हुए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।